दोस्तों माईटेक इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। आज मैं डुप्लीकेट पावर बैंक और ओरिजिनल पावर बैंक में क्या फ़र्क है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये एमआई का है पावर बैंक, इसके ऊपर लिखा है 10,400 mAh और ये चाइनीज भाषा में और भी कुछ लिखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 5 वोल्ट का है, 2 एम्पेयर का, ठीक है। और बैटरी का वोल्टेज दिया है 3.6 वोल्ट, 10,400 mAh, देख सकते हैं। तो आज मैं इसके इसलिए दिखाऊंगा दोस्तों, ये पावर बैंक ओरिजिनल नहीं है, एमआई का नहीं है। ये देखिए तो हम इसे खोलेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पावर बैंक है तो आप भी अंदर से चेक कर रहे हैं पावर से। ये एक फ़ोन को भी चार्ज नहीं कर पाता है पूरा, इसलिए आज हम इसको खोल के देखेंगे इसमें है क्या, वैसे क्यों चार्ज नहीं कर पा रहा है, या कुछ सर्किट फॉल्ट है या फिर ये पावर बैंक खराब है। दोस्तों खोलने के लिए ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने तीखी चीज़ इसके अंदर फंसाई है और ये ऐसा ही है। देखिए ये देखिए ये ऐसे ही खुल गया, इसको हम साइड में रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये चार लेवल इंडिकेटर्स हैं, ये चार्जिंग का पोर्ट है और ये 2.1 एम्पीयर का सॉकेट है। इस खोलने के लिए क्या करेंगे, इधर से प्रेस करेंगे, ये देखिए खुलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इसकी असलियत क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बैटरी है सिर्फ एक ही लगी हुई है, ये बाकी प्लास्टिक के गुटके लगे हुए हैं। देखिए कोई भी कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, ये देख सकते हैं सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए प्लास्टिक के गुटके लगा दिए हैं इन्हें। ये देख सकते हैं कोई भी कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए लगा दिए गुटके। ये देख सकते हैं और ये टोटल कितने एमएच की, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं कितने एमएच की है। 1200 mAh की सिर्फ एक बैटरी लगी हुई है इसके अंदर और 10,400 mAh इन्होंने लिख दिया इसके ऊपर। 1200 mAh की बैटरी लगा दी एक और 3 प्लास्टिक के गुटके लगा दिए। 1200 mAh की बैटरी अगर एमआई का कोई भी मोबाइल है वो कम से कम 4000 mAh का आता, तो कहाँ 1200 mAh, कहाँ 4000 mAh, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था, मैंने इसको जैसे ही खोला ऐसा निकला कि मैं भी एक बार चौंक गया, ये क्या चीज़ है भाई। सर्किट इसका एकदम सही है, सर्किट भी दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये सर्किट सभी पावर बैंक में ये काम आता है 2 एम्पीयर तक में। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके 3 बैटरी और ये जो कि लैपटॉप के सेल में आपको ये बैटरी मिल जाएगी, लैपटॉप के सेल से बैटरी निकाल के इसमें लगा दीजिए, ये पावर बैंक ठीक है। ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग वगैरह सब हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। दोस्तों देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है, मैंने चार्जिंग पोर्ट हटा लिया। ये देखिए इसे ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है नहीं होता है। ये देखिए ऑन भी है, ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है इसकी। तो देख सकते हैं फर्जी और ओरिजिनल पावर बैंक में क्या फर्क है। इसका सर्किट है और इसमें कुछ नहीं है, एक आईसी लगी रहती है बस। ये देखो इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ,
ये देख सकते हैं आप, चार LED है, ये कंट्रोलर IC है, ये इंडक्टर लगा हुआ है प्योर DC को फिल्टर करने के लिए, ये दो सॉकेट लगे हुए हैं और एक स्विच लगा हुआ है, कुछ SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और कुछ नहीं है इसमें। MI के जो पावर बैंक होते हैं वो कभी भी पीले गुलाबी कलर में नहीं आते हैं, वो ओनली फॉर ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट, तीन कलर में दो कलर में आते हैं, ब्लैक एंड वाइट दो कलर में आते हैं और उनकी बनावट भी अलग होती है आपको मालूम होता है। ये क्या करते हैं छोटे दुकानदार खरीद लेते हैं चाइना मेड और जो नहीं जानता उन ग्राहक को दे देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।